गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आपका सब्जेक्ट है पैथोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक्स। इसके अंदर एक नया टॉपिक है जो व्यावसायिक संगठनों या अभिकरणों के साथ संबंधित। इसका मतलब ये है कि जो प्रोफेशनल मतलब अब जो एक विद्यालय चीज है, स्कूलिंग है या कॉलेज का नाम ले, तो जो एक प्रोफेशनल जो पूरा का पूरा एक संगठन होता है उसके लिए विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं कि उसके साथ किस तरह मतलब हम क्या करते हैं, किस तरह संघ का स्थापित करते हैं, मतलब किस तरह तालमेल स्थापित करते हैं। तो इसके अंदर आता है माध्यमिक स्तर की जो
चंडीगढ़ वाली जो संस्था है उसके अंदर भी विभिन्न प्रकार की शिक्षा को बढ़ावा दिया जाता है। तो जो CBE है मतलब एक तरह से राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 1986 में CBE जिसका फुल फॉर्म है शिक्षा महाविद्यालय इसको ओपन करने के लिए इसको प्रारंभ करने के लिए विभिन्न प्रकार के सुझाव दिए गए किसमें दिए गए NEP 1986 में और राज्य में कितनी संस्थाएं हैं ये 8 इसके कितने सेंटर्स हैं 8 सेंटर्स हैं किसके राजस्थान के अंदर कितने सेंटर्स आपको देखने सीटी के कितने सेंटर्स देखने के मिलेंगे 8 सेंटर्स हमें देखने के लिए मिलेंगे। तो ये कह सकते हैं हम कि बेसिकली जो शिक्षा होते हैं शिक्षकों की डेवलपमेंट स्किल्स के लिए या फिर उसके मतलब इन सर्विस टीचर्स के लिए प्रोग्राम्स की मतलब एक तरह से प्रोग्राम्स की व्यवस्था की जाती है भी मतलब इसके अंदर जो व्यवसाय संगठन है इसमें विभिन्न प्रकार की शिक्षा को भी महत्व दिया जाता है। तो जो शिक्षा जो महाविद्यालय होते हैं ये बेसिकली उनके लिए होते हैं जो क्या होते हैं पूरी तरीके से अपनी डेवलपमेंट स्किल को सुधार करना चाहते हैं या फिर हम ये कह सकते हैं कि अब प्रत्येक राजस्थान में प्रत्येक राज्य में CBE को क्या कर दिया गया है कंपल्सरी कर दिया गया है। तो अब क्या होता है इसके बेसिकली कार्य क्या है जैसे और क्या कहते हैं कार्यों
प्रसार तथा परामर्श संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराना, मतलब क्या है, जो विद्यालय होते हैं, माध्यमिक विद्यालय होते हैं, उनके व्यक्तिगत शिक्षक और जो संगम शिक्षा संकुल जो होते हैं उनमें क्या होता है, विभिन्न प्रकार के प्रचार प्रसार के लिए क्या किया जाता है, विभिन्न प्रकार का परामर्श वाली मतलब परामर्श सुविधाएं दी जाती है उन्हें। फिर नेक्स्ट आता है स्कूल शिक्षा में कंप्यूटर शिक्षा आदि नवीन क्षेत्रों में प्रशिक्षण तथा अन्य सहायता प्रदान करना। जैसा कि उसने बताया था कि जो भी कैरिकुलम है ये विभिन्न प्रकार की शिक्षा को क्या देना, प्रोत्साहित करना लोगों को या विभिन्न प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था करना शिक्षण शिक्षा महाविद्यालय का प्रमुख उद्देश्य है। फिर आता है ये कार्य है व्यावसायिक संस्थाओं को सहायता देना, मतलब जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनको क्या करना, सहायता प्रदान करना। फिर नेक्स्ट आता है शिक्षक शिक्षा में सामुदायिक कार्य को प्रोत्साहन देना। जितने भी हमारे समुदाय से रिलेटेड जो भी कार्य है जैसे पानी पटाने से गांव में क्रियाएं होती है या कुछ भी होता है
मतलब एक तरह से ज्ञान को बढ़ाने के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए विभिन्न प्रकार की संस्थाओं की व्यवस्था करती है और इसके अंदर विभिन्न प्रकार के कार्य हमें देखने को मिलते हैं। आज आपको लिखना है।